वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन शो में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस फिगर को समझते हैं। फ्रेंड्स, इस फिगर में जो सर्कल है उसका सेंटर ओ दिया गया है। ए बी जो कि एक कॉर्ड है और ओ ए रेडियस है जिसका लेंथ 17 सेंटीमीटर दिया गया है। ओ सी एक परपेंडिकुलर लाइन सेंटर ओ से ड्रॉ किया गया है ए बी के ऊपर और ओ सी का लेंथ दिया गया है 8 सेंटीमीटर। इस फिगर में हम लोगों को ए बी का लेंथ बताना है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन को बताने का मतलब मेरा मकसद यही था कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए आसान है, आप देखते ही इसको सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम स्टेट करता है कि इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। मतलब ये कि किसी भी राइट ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस होगा उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा, जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम में कहा गया है। तो उसी का हम लोग यूज़ करेंगे और उसका यूज़ करके ए सी का लेंथ हम लोग पता करेंगे पहले। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा ओ सी के स्क्वायर और ए सी के स्क्वायर के सम के बराबर। ओ ए दिया गया है 17, ठीक है, और उसका स्क्वायर इक्वल किसके होगा, ओ सी जो दिया गया है 8 के स्क्वायर और ए सी के स्क्वायर के बराबर। ए सी नहीं दिया गया, ए सी ही तो फाइंड करना है। तो हम लोग 17 स्क्वायर माइनस, इसको साइड चेंज कीजिए, इधर लाइए, 8 स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289 और 8 का स्क्वायर होता है 64 इक्वल्स ए सी स्क्वायर। इस 289 में से 64 को घटाइएगा तो 225 बचेगा इक्वल्स ए सी स्क्वायर। 225 के ऊपर रूट डालिए और ए सी स्क्वायर के ऊपर रूट डालेंगे तो आ जाएगा 15 इक्वल्स ए सी। तो ए सी हो गया हमारा 15। तो ए सी का लेंथ हमने पता कर लिया है, लेकिन हम लोगों को ए बी का लेंथ बताना था जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्लास 9th चैप्टर 10 सर्कल्स थ्योरम 10.3 एनसीईआरटी बुक में कहा गया है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन खींचा जाएगा किसी भी कॉर्ड के ऊपर सर्कल के अंदर, तो वो परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। इसका मतलब है कि ओ सी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो ए सी का लेंथ अगर 15 है तो बी सी का लेंथ भी 15 होगा। इस तरह से हम लोग ए बी का लेंथ निकाल सकते हैं। तो जैसा कि ए सी 15 दिया गया है तो ए बी इक्वल होगा, उसी थ्योरम का यूज़ करके ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, 2AC, है ना। तो 2 × 15 सेंटीमीटर इक्वल्स 30 सेंटीमीटर, ए बी का लेंथ हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।